हेलो दोस्तों, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आई सेल्फ एल आर सोलंकी, नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मिशन हाई टेस्ट सीरीज 4। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चैनल का लिंक दे रखा है, अगर जो आप पहली बार देख रहे हो हमारे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ CCRS 2017 को एग्ज़ाम हुआ था उसका वो पेपर लेके आया हूँ। वो पेपर अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। पेपर को दो पार्ट में लेके आ रहा हूँ, टेस्ट सीरीज 4 में पेपर का फर्स्ट पार्ट और टेस्ट सीरीज 5 में सेकेंड पार्ट होगा। तो दोस्तों, अपन क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी ईयरली, ऑप्शन डी 8 मंथ। राइट आंसर 3 मंथ्स। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया मैं अपना क्वेश्चन डालने के बाद कुछ टाइम तक वेट करूँगा ताकि आप अपना आंसर मन में सोच सकते। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएट विद सर्वाइकल कैंसर। ऑप्शन ए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ऑप्शन बी साइटोमेगाला वायरस, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम एवियम वायरस और सॉरी बैक्टीरिया और ऑप्शन डी न्यूमोसाइटिस कैरेनी। ऑप्शन ए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसका शॉर्ट फॉर्म SPV बोलते हैं, ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पे आंसर, ठीक है, टिक क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल परसेंटेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन मिल्क। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 6%। राइट आंसर ऑप्शन सी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 4-year-old फीमेल चाइल्ड वॉमिट एंड हर मदर स्टेट सी वॉमिटेड 200 ml ऑफ द फॉर्मूला फीडिंग इन दिस द मॉर्निंग। वॉट टाइप ऑफ द डाटा इन दिस। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम ए सेकेंडरी सोर्स, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम ए प्राइमरी सोर्स, ऑप्शन सी सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम ए सेकेंडरी सोर्स, ऑप्शन डी सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप आंसर सोचना है। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्वेश्चन को पोज करके देखिए, लेकिन आंसर को ध्यान से देखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वापस देख लो, राइट आंसर ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम ए सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स चूज टू असेज एन एपिकल पल्स इंस्टेड ऑफ ए रेडियल पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंडीशन इन्फ्लुएंस द नर्सेज डिसीजन। नर्स का डिसीजन क्या है। ऑप्शन ए द क्लाइंट हैड सर्जरी 18 आवर बिफोर, द क्लाइंट हैज एन अर्थमिया, द क्लाइंट इज इन शॉक, द क्लाइंट रेस्पॉन्स टू ऑर्थोस्टेटिक चेंज। राइट आंसर ऑप्शन बी क्लाइंट हैज ए अर्थमिया। नेक्स्ट, लेक्टर रिंगल जिसका शॉर्ट फॉर्म है LR सॉल्यूशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन। ऑप्शन ए हाइपरवॉल्यूमिया, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिडोसिस, ऑप्शन डी फ्लूड लॉस एज बाइल और डायरिया। राइट आंसर लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG चेंज इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज। ऑप्शन ए ST सेगमेंट एलिवेशन, ऑप्शन बी वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ द यू वेव और ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग पी वेयर इंटरवल। राइट आंसर ST सेगमेंट एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन में किसी की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी प्लाज्मा और ऑप्शन डी फाइब्रिनोजन। देखो दोस्तों, विटामिन के की नीड रहती है, कैल्शियम की नीड रहती है, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में भी रहते हैं, फाइब्रोजन भी होता है और कौन नहीं होता है, प्लाज्मा नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेंस्ट्रुअल कंडीशन करेक्टराइज बाय सीवियर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एंड पेन एसोसिएट विद द मेंस्ट्रुअल इज टर्म। ऑप्शन ए डिस्पेनोरेजिया,
ऑप्शन बी एमिनोरिया, ऑप्शन सी हाइपरमेनोरिया और ऑप्शन डी पॉलीमेनोरिया। वापस क्वेश्चन को देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए डिसमेनोरिया। नेक्स्ट, विच प्रिक्यूशन इज यूजुअल ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, ऑप्शन ए लीव इन्फेंट क्लोथ ऑन, ऑप्शन बी चेक द इन्फेंट टेम्परेचर वंस डेली, ऑप्शन सी रीपोजिशन द इन्फेंट फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन डी कवर द इन्फेंट आई। राइट आंसर कवर द इन्फेंट आई। रेटिनल की इंजरी के लिए, जो अपना रेटिना होती है उसकी इंजरी के लिए, उसको कवर को और जेनेटल ऑर्गन होते हैं उनको दोनों को क्या करते हैं, कवर करके रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर आई क्यू के लिए फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन ए आई क्यू बराबर एम ए बटा सी ए इंटू 100, ऑप्शन बी आई क्यू इज इक्वल टू एम ए इंटू 100, ऑप्शन सी आई क्यू इज इक्वल टू सी ए इंटू 100, ऑप्शन डी आई क्यू इज इक्वल टू सी ए अपॉन एम ए इंटू 100। आई क्यू सी ए का मतलब क्रोनिकल एज और एम ए का मतलब मेंटल एज, मतलब क्रोनिकल एज के सापेक्ष मेंटल एज कितना है, ठीक है, वो उसका आई क्यू। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए रट लो इसको। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। राइट आंसर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड जिसका शॉर्ट फॉर्म है CS प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 110-180 mm ऑफ H2O, ऑप्शन बी 180-300 mm ऑफ H2O, ऑप्शन सी 200-400 mm ऑफ H2O और ऑप्शन डी 5-10 mm ऑफ H2O। हाँ बराबर, ऑप्शन डी राइट। हाँ, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन हाइपोथैलेमस एंड CSF जो प्रेशर है, CSF प्रेशर का ऑप्शन ए 110-180, ऑप्शन बी 180-300, ऑप्शन सी 200-400 और ऑप्शन डी 5-10 mm। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए, डी नहीं है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनदर नेम ऑफ द नी सेस्ट पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, सदाबहार क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ऑप्शन ए जेनुप डोर्सल, ऑप्शन बी जेनुप पेक्टोरल, ऑप्शन सी लिथोटोमी, ऑप्शन डी सिम्स पोजिशन। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन ए में जेनु दोनों में नाम दे रखा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जेनुप पेक्टोरल, पेक्टोरल नॉट पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट आफ्टर द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी फॉर फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट। ऑप्शन ए चेस्ट पेन, ऑप्शन बी साइनोसिस, ऑप्शन सी एमोप्टोसिस और ऑप्शन डी टेकिकार्डिया। राइट आंसर साइनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज बाय, ऑप्शन ए विटामिन B12 एंड फोलेट, फॉलिक एसिड बोल सकते हैं फोलेट, ऑप्शन बी प्रोटीन डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी थायमिन डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी विटामिन सी डेफिशिएंसी। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायुरेटिक। ऑप्शन ए एनालप्रिन, ऑप्शन बी मेनिटोल, ऑप्शन सी स्पिरुलेक्टिन और ऑप्शन डी प्रोसेमाइड। दोस्तों, ये क्वेश्चन NPCL 2019 में पूछा गया है। एनालप्रिन क्या होता है, एनालप्रिन AC इनहिबिटर रहता है जो ब्लड प्रेशर के लिए काम होता है। मेनिटोल क्या होता है, ऑस्मोटिक डायुरेटिक होता है। स्पिरुलेक्टिन क्या होता है, कैल्शियम चैनल या कैल्शियम बाइंडिंग डायुरेटिक होता है। और प्रोसेमाइड क्या होता है, प्रोसेमाइड जो लैक्सिक्स बहुत कॉमन है, एंटी हाइपरटेंसिव भी है और डायुरेटिक भी है। किस प्रकार डायुरेटिक है, लूप डायुरेटिक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, एनालप्रिन। नेक्स्ट, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। ऑप्शन ए DPT मीजल्स रूबेला, ऑप्शन बी DPT पोलियो हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी DPT पोलियो हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और हेपेटाइटिस बी।
देखो दोस्तों, पेंटावेलेंट पेंटा यानी पांच, केमिस्ट्री से पेंटा मतलब पांच, जिसमें पांच वैक्सीन एक ही वैक्सीन में हो जाए उसको पेंटावेलेंट बोलते हैं। पहले जो DPT 6 weeks, 10 weeks और 14 weeks में लगता था, उसकी जगह पेंटावेलेंट आ गया। पेंटावेलेंट का जो लगाने का जो मतलब टाइमिंग है वो 6 weeks में फर्स्ट डोज, 14 weeks में सेकेंड डोज, और सॉरी 6 weeks में फर्स्ट डोज, 10 वीक में सेकेंड डोज और 14 वीक्स में थर्ड डोज दी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, FSH फॉलिकल स्टेबिलिटी हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी एंटीरियर पिट्यूटरी और ऑप्शन डी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो दोस्तों, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, FSH आते हैं दिमाग में, एक ही निकलता है ओवरी होगा, लेकिन ओवरी नहीं है। इस सीक्रेट कौन करता है, FSH हो या LSH हो, दोनों का सिक्रेशन करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। तो एंटीरियर सिक्रेशन करते हैं, पोस्टीरियर सिक्रेशन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था NPCL में। जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो एक तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करती है, दूसरा EDS का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द इसोफेजियल कार्सिनोमा वुड बी, ऑप्शन ए सोर थ्रोट, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी वेट लॉस, ऑप्शन डी हेमरेज। राइट आंसर डिस्फेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डियल साइन ऑफ द मेनिंजाइटिस, ऑप्शन ए कर्निंग साइंस, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी कॉमन कोल्ड, ऑप्शन डी फीवर। राइट आंसर कर्निंग साइन। मेनिंजाइटिस में दो कॉमन साइन होता है, एक कर्निंग साइन होता है, एक ब्रिजिक साइन होता है, दोनों को याद ध्यान से याद रखना या नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैलोरी आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ फैट, ऑप्शन ए 9 कैलोरी, ऑप्शन बी 7 कैलोरी, ऑप्शन सी 5 कैलोरी, ऑप्शन डी 25 कैलोरी। राइट आंसर 9 कैलोरी, फैट से 9 कैलोरी, और जूल में पूछे तो 37 जूल के आसपास इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन का पूछते तो क्या आंसर होता, प्रोटीन का 4th और कार्बोहाइड्रेट का 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट असेंशियल है, ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन्स। राइट आंसर प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टेड टाइप ऑफ द फूड पॉइजनिंग, ऑप्शन ए साल्मोनेला, साल्मोनेला, ऑप्शन बी स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम और ऑप्शन डी ई कोलाई। राइट आंसर साल्मोनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक फाइंडिंग इन इंडिविजुअल एट रिस्क फॉर सडन कार्डियक डेथ में मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन सी होती है, ऑप्शन ए एओर्टिक वॉल डिजीज, ऑप्शन बी माइटल वॉल डिजीज, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, ऑप्शन डी एंथ्रोस्क्लेरोसिस हार्ट डिजीज। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो प्रोटीन डाइट इज ऑर्डर फॉर पेशेंट विद, ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी एक्यूट नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी बर्न, ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस। राइट आंसर एक्यूट नेफ्राइटिस। लो प्रोटीन डाइट अगर हाइट देंगे तो क्या होगा, जो प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है और क्रिएटिन होता है। तो यूरिया और क्रिएटिन लेवल को बढ़ाने से रोकने के लिए उसमें लो प्रोटीन डाइट रहते हैं। लेकिन किडनी की एक ऐसी डिजीज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन्स की हाई डोज दी जाती है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स की कमी होती है। प्रोटीन्स की कमी के कारण ही मतलब फेस पे स्वेलिंग आती है क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट फॉर बोन मैरो एग्जामिनेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए स्टर्नम, ऑप्शन बी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ऑप्शन सी लंबर वर्टिब्रा, ऑप्शन डी फीमर। राइट आंसर फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रोमोएक्जिन ड्रग आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए लेप्रोसी, ऑप्शन बी एक्यूट माइलोड ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी इसोफेजाइटिस, ऑप्शन डी टू लिक्विफाई रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डेट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्विंग इंफॉर्मेशन ए मैसेज अराउंड द बॉडी आर कॉल्ड,
ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी एलुलाई, ऑप्शन सी न्यूरॉन्स और ऑप्शन डी नेफ्रॉन्स। सबको पता है केमिकल मैसेज का एक्सचेंज कौन करता है, न्यूरॉन्स करता है। इसके लिए नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो न्यूरॉन्स रहता है। और दोस्तों जो आपका हृदय सिस्टम होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के डालें उसका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द यूरिन सिस्टम्स, या किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ड्रॉप इन स्टैंडर्ड ड्रिप सेट मेक 1 ml, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए सबको एक जैसे दिए, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स शुड बी टेकन बाई सेल्स सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी आयरन। बचपन से पढ़ते हैं विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होती है, ठीक है, विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है, मतलब विटामिन डी थ्री कैल्शियम को सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल रहता है। तो विटामिन और कैल्शियम एक दूसरे के क्या है, भाई बहन है, तो कैल्शियम की वजह से रिकेट्स, तो इसका रिलेशन किसके साथ है, कैल्शियम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीट एप्लीकेशन इज कॉन्ट्रा हीट एप्लीकेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अपेंडिसाइटिस बिकॉज इट कैन कोज द अपेंडिक्स टू रप्चर एंड कोज पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन बी कैन मास सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन सी विल इंक्रीज पेरिस्टलिक थ्रू आउट द एब्डोमेन, ऑप्शन डी विल अरेस्ट प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। हाँ, क्वेश्चन को एक बार वापस देख लो, राइट आंसर क्या होगा, जो आपका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अपेंडिसाइटिस होता है उसमें हीट एप्लीकेशन कॉन्ट्रेडिक्शन क्या है, तो आपको पता है कि अपेंडिक्स को क्या कर लेता है, रप्चर कर लेता है, और अपेंडिक्स का रप्चर हो जाते हैं तो उसके बाद में उसका मेजर फर्दर कॉम्प्लिकेशन परपोरेशन हो सकता है या पेरिटोनाइटिस हो सकता है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कापोसी सार्कोमा इज एसोसिएट विथ, ऑप्शन ए HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ऑप्शन बी HTLV-1 ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइटिक वायरस टाइप, ऑप्शन सी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और ऑप्शन डी एब्सटेन बार वायरस। राइट आंसर HIV। नेक्स्ट, वाइल इंस्टॉलिंग एयर ड्रॉप द ईयर कैनाल ऑफ एडल्ट स्ट्रेंचड बाय द पुलिंग द पीना, ऑप्शन ए डाउन एंड बैक, ऑप्शन बी अप एंड बैक, ऑप्शन सी स्ट्रेंच आउट और ऑप्शन डी स्ट्रेंच बैक। दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि जब आप ईयर ड्रॉप डालोगे ईयर में तो मतलब कान को कैसे खींचते हैं, तो देखो दोस्तों एक होता है एडल्ट में खींचेंगे अप, कैसे खींचेंगे अप, और जो बच्चा होता है बच्चों में कैसे खींचेंगे डाउन, कैसे खींचेंगे डाउन। तो एडल्ट इसका राइट आंसर एडल्ट का देखा है तो अप एंड बैकवर्ड, और बच्चों के लिए क्या होगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, तो राइट आंसर क्या होगा अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये यू से याद रखना है अप। नेक्स्ट, फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी, ऑप्शन ए चेकन थ्रोटली बिफोर यूज, ऑप्शन बी अलाउ टू मेल्ट बिफोर यूज, ऑप्शन सी डिस्कार्ड, ऑप्शन डी ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज। सबको पता है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, राइट आंसर डिस्कार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद भी रखना है। ऑप्शन ए कैटरक, ऑप्शन बी ट्रकोमा, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव एरर और ऑप्शन डी विटामिन डेफिशिएंसी। इसमें कोई कन्फ्यूजन से ऑप्शन है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या है कैटरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सॉरी ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी विटामिन ए। एंटीऑक्सीडेंट नहीं, ह्यूमन मिल्क में क्या एब्सेंट है, आयरन, राइट आंसर आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो पीरियड इन HIV इंडिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन ए टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स, ऑप्शन बी टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV, ऑप्शन सी टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। राइट आंसर
ऑप्शन बी टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एस आई वी। दोस्तों मेरे नंबर है 9079000426, 9079000426। किसी को अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए आंसर समेत तो हाय CCRS लिख के मेरे को मैसेज सेंड कीजिए, मैं उसको ज़रूर भेजने की ट्राई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसलेट ऑफ लैंगरेंस प्रोड्यूस ऑप्शन ए बाइल, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी रेनिन। आइसलेट ऑफ लैंगरेंस कहाँ पे होती है? पेनक्रेज में होती है। तो पेनक्रेज की बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन सिक्रेशन करती है। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली MPCS में पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ऑप्शन ए ब्रेनस्टम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। राइट आंसर सेरिबेलम। नेक्स्ट, एंटीरियर फोंटेनेल नॉर्मली क्लोज बिटवीन द एज, ऑप्शन ए 2 to 3 months, ऑप्शन बी 12 to 18 months, ऑप्शन सी 3 to 6 months और ऑप्शन डी 1 to 9 months। राइट आंसर मतलब डेड ईयर में एंटीरियर और पोस्टीरियर पहले हो जाता है, पोस्टर पी मतलब पहले एंटर बाद में होगा, तो 12 to 18 months, बाकी अगर एक ऑप्शन में आए तो 18 months राइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्बाइंड ट्रिपल वैक्सीन, ऑप्शन ए ओरल पोलियो, ऑप्शन बी PCG, ऑप्शन सी DPT और ऑप्शन डी रेबीज। राइट आंसर DPT। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, अभी नेक्स्ट अभी क्या किया, DPT को भी इंक्लूड करके क्या बनाया, नया वैक्सीन पेंटावेलेट। DPT में 3 vaccine थे और पेंटावेलेट में कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए साइनाइटिस, ऑप्शन बी मेस्टराइटिस, ऑप्शन सी ओटाइटिस मीडिया और ऑप्शन डी लिपराइटिस। राइट आंसर ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ओवुलेशन, ऑप्शन बी ओफोरिया, ऑप्शन सी ओजेनेसिस, ऑप्शन डी ओसाइटिस। दोस्तों 45 क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है उसमें, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जो 45 क्वेश्चन अभी मैंने बताया ये आप में हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका राइट आंसर बताना है, दोनों का बताना है। एक अगर टीस्पून भी आए, अगर टेबल स्पून भी आए, दोनों के एक टीस्पून बराबर कितने ml होते हैं और एक टेबल स्पून बराबर कितने ml होते हैं, तो दोस्तों ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद। सेकेंड पार्ट मैं लेके बहुत जल्दी आ रहा हूँ दोस्तों, उसको भी पूरा देखना है और ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट हो सके। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशंस।